उत्तर प्रदेश पुलिस की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि वो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बंदूक तान दे, एआईएमआईएम नेता अर्शद राणा के बेटे को थप्पड़ मार दे, वोटरों को धमकी दे कि वो इलेक्शन में वोट ना करे। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर पर इतना ही भरोसा करती है तो क्यों नहीं होने दिया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान के खिलाफ जो नंगा नाच किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोशी से आंख बंद कर तमाशा देखती रही, तो अब क्या होंगे उत्तर प्रदेश के नतीजे? और सबसे बड़ा सवाल कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब क्या करे, किसको चुने और कैसे बचाए अपनी इज्जत और ऐसे पुलिस वालों से अपनी वकार? पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन 20 नवंबर 2024 को कुछ अलग ही माहौल उत्तर प्रदेश में देखा गया। उत्तर प्रदेश की सड़कों को ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे दो देश युद्ध लड़ रहे हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई, पुलिस वाले लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। क्या उन पुलिस वालों को यह नहीं मालूम कि लोगों का आधार कार्ड चेक करना, उनका वोटर कार्ड चेक करने का अधिकार उनको नहीं है? अगर उनको नहीं पता तो फिर वो पुलिस भर्ती कैसे हुए, उन्होंने एग्जाम कैसे दी है, कितने ऑफिसरों को उन्होंने पैसे खिलाए हैं, या संघ परिवार के लोग उत्तर प्रदेश के पुलिस में घुसे हुए हैं, ये कौन जानता है? कौन इस बारे में बताएगा? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हें इतना जाहिल किसने बना दिया कि पुलिस वाले तुमसे आई कार्ड मांग रहे हैं और तुम उन्हें दिखा रहे हो? क्या किसी ने उनको यह नहीं बताया कि किसी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी का आई कार्ड चेक कर सके, आधार कार्ड चेक कर सके, या फिर बैरिकेडिंग लगाकर, लाइन लगवाकर भीड़ को, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सके? क्या काम था पुलिस का इलेक्शन के दिन? सिर्फ यही काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को महफूज करे, लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। इससे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश की पुलिस का नहीं है। बिल्डिंग के बाहर खड़ा एक चौकीदार का जितना काम है, उतना ही काम इलेक्शन के दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस का था। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ना जाने कौन से अहंकार में डूबी है, संविधान को पैरों की जूती में रखकर लोकतंत्र की हत्या कर रही थी और लोगों से वोटर आई कार्ड चेक कर रही थी। किसने अधिकार दिया था इनको बैरिकेडिंग लगाने की? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनके लोग, उनके ऑफिसर बूथ में मुस्लिम महिलाओं के चेहरे को देख सकते हैं, वोटर आई कार्ड से उनके चेहरे को मिला सकते हैं। कभी किसी मुस्लिम महिला ने इस बात का विरोध नहीं किया कि आप हमारा चेहरा मत देखो, बल्कि जो महिला कर्मचारी है वो बेझिझक वोटर आई कार्ड से मुस्लिम महिलाओं के चेहरे को मिला सकती हैं और फिर उन्हें वोट देने की इजाजत दे सकती हैं। लेकिन पुलिस वालों को यह अधिकार नहीं था कि वो बैरिकेडिंग लगाकर उनको देखते या फिर उनके आईडी को चेक करते। लेकिन अफसोस, 70 सालों से भारतीय मुसलमानों को इस कदर जाहिल बनाया गया कि वह अपने अधिकारों से ही वंचित हो गए, अपने अधिकार नहीं जानते थे। अगर जानते तो आंख में आंख मिलाकर पुलिस से कहते कि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमारा आईडी चेक करो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, तुम हथियार चेक करो, लोगों की तलाशी लो, लेकिन लोगों की आई कार्ड तुम चेक नहीं कर सकते हो। खूब एक तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया में कि एक पुलिस वाला एक थाने के SHO बंदूक लहरा रहा है और जब थूथू होती है तो कहता है कि नहीं, वो पत्थरबाजों के खिलाफ बंदूक लहरा रहा था। किसने तुम्हें अधिकार दिया बंदूक लहराने का? एक वीडियो वायरल है, कहते हैं कि नहीं ये आधा वीडियो, तो देखो पूरा वीडियो। इस वीडियो में कोई पत्थर चलाता हुआ नहीं दिख रहा है, इस वीडियो में कोई पत्थर फेंकता हुआ नहीं दिख रहा है, इस वीडियो में लोग भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस कायरता में आकर गोली ना चलाते। फिर भी कई लोग आगे आए और वोट देने की हिम्मत दिखाए, और मैं सलाम करता हूं उन हिम्मतदार मां और बहनों को जिन्होंने बंदूक देख करके भी अपने ईमान से सौदा नहीं किया, वोट देने के लिए बाहर आई और सीना तान कर ऐसे ऑफिसरों के सामने खड़ी हो गई और कहा कि हम वोट देंगे, तुम्हें गोली चलाने का कोई अधिकार नहीं है। यह होती है करेज, हिम्मत,
जो आज भारत के लोगों को दिखाने की जरूरत है। जब पुलिस किसी आम नागरिक को गाली देती है या उसे धक्के देती है या उस पर हाथ उठाती है, यह वैसा ही है कि कुत्ता अपनी ही मालिक को काट ले, क्योंकि पुलिस जनता की नौकर है। पुलिस के जिस्म की वर्दी हो या उसके पैंट में बेल्ट हो या वो रिवॉल्वर जिससे वो लोगों को धमकाता हो, सारी की सारी जो पैसे से खरीदी जाती है वो आम जनता के पैसों से खरीदी जाती है, और उन पैसों में भारत में रहने वाले हिंदुओं का भी पैसा है और मुसलमानों का भी पैसा है। तो जो उत्तर प्रदेश की पुलिस या पूरे देश की पुलिस से मैं मुखातिब हूं, अगर तुम्हारे अंदर मुसलमानों के प्रति रत्ती बराबर भी घृणा है तो पुलिस पद से त्याग दो और पहन लो आरएसएस की चड्डी, ज्वाइन हो जाओ भारतीय जनता पार्टी को और फिर उगलो जितना तुम्हें जहर उगलना है। पर तुम पुलिस की वर्दी को बदनाम नहीं कर सकते। तुम संविधान को आड़ में रखकर मुसलमानों के लिए एक तरफा व्यवहार नहीं कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के मीरापुर के एआईएमएम के प्रत्याशी अरशद राणा भिड़ गए। देखा आपने वो वीडियो जब वो कह रहे कि आप कैसे बैरिकेडिंग लगा सकते हैं, कैसे आप ये सब कर सकते हैं, किसने आपको अधिकार दिया? ये होता है नेता। अखिलेश यादव जब सोशल मीडिया में ट्वीट कर रहा था उस वक्त एमआईएम नेता जमीनी स्तर पर भिड़ रहे थे उन पुलिस वालों से जिनके जिस्म की वर्दी में नेम प्लेट तक नहीं था। तो मैं क्या कहूं कि कौन है ये पुलिस वाला जिसने एएमआईएम नेता के बेटे को थप्पड़ मारा? किसने अधिकार दिया इसको थप्पड़ मारने का? भारत में संविधान है, आईपीसी है, भारत न्याय संहिता है जिसके तहत लोगों को सजा दी जाती है। अगर नहीं तो बंद कर दो सारी कोर्ट, हटा दो सारे जजों को और इंसाफ का ठेका पूरे पुलिस वालों को दे दो। अगर ऐसा नहीं है, अगर पुलिस प्रशासन को कोर्ट पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, तो फिर किसी को थप्पड़ कैसे मारा? और ये पुलिस वाला आरएसएस का कोई व्यक्ति है, चट्टीदारी गैंग का है, या विश्व हिंदू परिषद का है, या बजरंग दल का है? कौन है ये व्यक्ति जिसके वर्दी पर उसका नाम ही नहीं है और उसने थप्पड़ मार दिया इमाम नेता के बेटे को? इतनी जुर्रत तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर भारी संख्या में ऐसे लोग भरे हैं जो या तो घूस देकर भर्ती हुए हैं, जिनको संविधान का कुछ अता पता नहीं है, और मुसलमानों के खिलाफ घृणा उनके अंदर भरी हुई है। उत्तर प्रदेश के लोगों, चूंकि तुमने 70 साल से गुलामी की है, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, तुमने अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब और ऐसा नहीं, बहुत जलील हो गए हम 70 सालों में। समय आ गया है कि तुम एमआईएम का साथ दो, ओएसी साहब को अपना नेता मान लो। कौन हारे कौन जीते कोई परवाह मत करो, अपना वोट सिर्फ एमआईएम को दो। जिस दिन उत्तर प्रदेश में एमआईएम के सिर्फ 10 से 15 विधायक भी होंगे, उस दिन किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं होगी कि वो मुस्लिम मोहल्ले में या मुस्लिम महिलाओं के सामने इस तरीके से गन उठाकर संविधान को छलनी कर दे। इनको पता है कि इनका कोई नेता नहीं है, इनकी कोई पार्टी नहीं है, इनका कोई संगठन नहीं है। जो करना है इनके साथ करो, जब मन करे इनकाउंटर कर दो, जब मन करे जेल में भर दो, जब मन करे थप्पड़ मार दो, जब मन करे धमकी दे दो, जब मन करे कुछ भी कर दो। लेकिन जब मुसलमान जागेगा, अपनी क़यादत को मजबूत करेगा, संवैधानिक तरीके से अपने मामले को आगे बढ़ाएगा, तब इन पुलिस वालों को इनकी औकात याद आएगी। जो पुलिस वाले मेरे इस वीडियो को देख रहे हो ना, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो एक बार अपनी वर्दी की तरफ झांको। ये क्या ये तुम्हारे बाप के पैसे से सी हुई है? वो वर्दी जो तुमने पाती है, तुम्हारे बाप ने नहीं दिया है, किसी नेता ने तुम्हें ये वर्दी नहीं दी है, ये जनता के पैसे से दी हुई वर्दी है। जनता के भीख से तुम्हारा घर चलता है, जनता के भीख से तुम्हारे लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं, जनता के भीख से तुम्हें घर मिलता है, जनता का भीख से तुम्हें गाड़ी मिलती है, जनता के भीख पर तुम अपने पूरे परिवार को चलाते हो, और उसी जनता को तुम गाली देते हो, उसी जनता को तुम थप्पड़ मारते हो, उसी जनता को तुम लाठी भाजते हो, उसी को तुम धमकाते हो, और उसी जनता का तुम वोटर आई कार्ड चेक कर रहे थे। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हारे जैसे पुलिस वालों को। भारत में अगर खराब पुलिस वाले हैं तो अच्छे पुलिस वाले भी हैं। पूरे पुलिस वाले खराब नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। लेकिन बुरे पुलिस वालों को सबक सिखाना है तो एमआईएम को मजबूत करना, वरना इनको इनके औकात जब तक नहीं दिखाई जाएगी, तब तक ये सत्ता की दलाली में जो मर्जी मांगेगा ये लोग करते रहेंगे। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कराया गया ताकि एमआईएम हार जाए, एमआईएम कुंदरकी में, मीरापुर में एमआईएम के प्रत्याशी कमजोर हो जाए। और नतीजा ये निकला, ये सब कुछ करने के बाद
जो एग्जिट पोल था उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शन का, 9 सीटों में अधिकतर सीटें बीजेपी को जाती हुई दिख रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को पता है शायद कि वो इलाके जहां पर इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे मीरापुर हो, गाजियाबाद हो, कुंदरकी हो, वहां पर वो जीत नहीं रहे हैं, बल्कि पूरे प्रशासन को एमआईएम के खिलाफ उन्होंने उतार दिया, समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने उतार दिया, दिगर नेताओं के खिलाफ उतार दिया। पूरा प्रशासन जो जनता की भीख पर अपने घर को चलाता है, उसी जनता को कुत्ते के जैसा काटने को दौड़ गया था। ये सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तुम्हें भी मोदी जी तुम्हारा घर नहीं चलाते हैं, तुम्हारा घर भी जनता के पैसे से चलता है। संविधान है तो तुम्हें यह पद मिला हुआ है। जब संविधान एक दिन अगर खत्म कर देंगे ये लोग, तो तुम्हारा पद भी खत्म हो जाएगा, कोई चुनाव नहीं होगा, तब क्या करोगे? अगर शर्म है तो कार्रवाई करो। उन पुलिस वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए जिन्होंने लोगों का आईडी कार्ड चेक किया, लोगों के ऊपर बंदूक तान दी और उल जलूल काम करके लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की। उन पुलिस वालों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ एक्शन ना ले, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लेकर उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर करे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान चाहता है देश में फूट पड़े। और वो काम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन भी कर रही है। तो उत्तर प्रदेश को बचाना है, भारत को बचाना है। पाकिस्तान और चाइना के दलाल काफी हद तक हमारे भारत में कई इलाकों में घुसे हुए हैं, चाहे वो पुलिस के रूप में हो या प्रशासन के रूप में, उनको खत्म करने की जरूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस वक्त कर सकती है। अगर आप सब मेरी बातों से जरा सा भी इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सकता है ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जितना लाइक, शेयर, कमेंट करोगे वीडियो उतना ही फैलेगा। क्योंकि सबसे बुरी बात तो यह है कि जहां पर यह उत्पाद नहीं मचा सीमाओं में, सीसामाऊ में, वहां पर जहां पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखा हुआ है, खबर यह आ रही है कि वहां का सीसीटीवी फुटेज काम करना बंद कर चुका है। तो आप जानते हैं कि कैसे लोकतंत्र पर कितना बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। तो इस हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए। और याद रहे कि एआईएमएम महाराष्ट्र में काफी मजबूती से चुनाव लड़ी है और जरूर एमआईएम जीतेगी, लेकिन कितनी सीट कंफर्म जीतेगी वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको पूरा ग्राउंड रिपोर्ट देने की कोशिश करूंगा। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स।